आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा भी आने वाला है। चलिए वीडियो को फास्ट से लास्ट तक बने रहिए। देखिए मैं माउस पे यूज कर रहा हूँ। छोड़ो यार, क्या हुआ? अभी आंखों में कलर आ गई। अरे यार, कैसे आ गया? हाँ, मैं अभी माउस पे के माध्यम से फोंक रहा था और कलर आंखों में आ गई। जैसे कि वो जो उनके दरवाजे हैं, वही दरवाजे पर अभी हवा आ रहा है, तो इसीलिए हवा के कारण जब माउस स्प्रे से मैं फूंक रहा था, मेरे और कलर आके आंखों में गिर गई। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप ऐसे ही माउस स्प्रे को ध्यान से फूंकते रहिए और अच्छा अच्छा काम करते रहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो बैकग्राउंड है दीवार का वो है नीला कलर, और वो भी डीप कलर है। तो दोस्तों ऐसे ही नीला कलर यानी कि डीप कलर से कौन सा ऐसा ही पेंटिंग किया जाए जो दरवाजे का जो डिजाइन होता है वो सुंदर दिखेगा? आपको जस्ट दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको जस्ट बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले माउस स्प्रे के माध्यम से फूंका, फूंकने के बाद ब्लैक कलर टचअप किया, उसके बाद दोस्तों येलो कलर टचअप करते हुए मैं पिक्चर को शानदार तरीके से एक आकार दे रहा हूँ। तो दोस्तों यह है बहुत ही सिंपल सा दरवाजा डिजाइन, जो कि हम मैरिज पेंटिंग करने के बाद यानी कि जो दूल्हा दुल्हन का डिजाइन होता है वो नाम लिखने के बाद हम हर एक दरवाजे पे ऐसा एक डिजाइन बनाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा डिजाइन है, आप लोग भी इसे बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके यानी कि कम समय में इसको आप शानदार तरीके से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों और ऑलरेडी ये सब प्लास्टिक पेंट कलर है, जो कि देखिए ब्लैक फेविकिल मैंने यूज किया, उसके बाद येलो प्लास्टिक पेंट, उसके बाद अभी जो मैं टचअप कर रहा हूँ बस नीला कलर येलो से टचअप करते हुए मैं मिक्स करते हुए बना रहा हूँ, जैसे कि थोड़ा सा ग्रीन जैसा लगे इस टाइप का मैं टचअप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है और बहुत ईजी फंडा है, आप लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको व्हाइट कलर भी टचअप धीरे धीरे करना है ताकि वो अच्छा दिख सके। Thank you.
आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे वाले वीडियो बनाने के लिए, और हमेशा आप लोगों को ऐसे नए नए वीडियो हम देते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, डिजाइन हो गया, बस सुंदर भी लग रहा है। अगर इसी वीडियो में किसी जानकारी की ज़रूरत हो या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका हर कमेंट का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।